हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धि तिमन। राजस्थान सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस के तहत वैकेंसी जारी की है, जहां पर पदों की संख्या 50,000 है। प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जो है वो भर्ती होगी। यहां पर 50 साल तक के उम्मीदवार जो है वो आवेदन कर पाएंगे। 29 अगस्त जो है वो लास्ट डेट जो है रहेगी। ये इसकी जो है मेन वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो इसमें रिक्रूटमेंट में जो है वो बिल्कुल साफ साफ जो है वो सारी चीजें लिखी गई है। हम डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जो कि यहां पर डाली जा चुकी है। आवेदन विवरण नेक्स्ट अप्लाई ऑनलाइन। यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप लोगों को जाना होगा। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को कंप्लीट जो जारी हुई है वो दिखा देती हूं। तो ये जो है इसका विस्तृत विज्ञापन है, जो कि मेन वेबसाइट से ही जो है डाउनलोड कर लिया है। तो इसका जो है एक वीडियो मैं बना चुकी हूं, जब शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था जिसमें मेन मेन चीजें बताई गई थी। अभी जो है डिटेल में एडवर्टाइजमेंट मेन वेबसाइट पर डाला जा चुका है, तो अगर कुछ चेंजमेंट है तो आप यहां पर जो है अच्छे तरीके से देख लें, फिर एप्लीकेशन करें। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मिनिमम 12th या इसके समकक्ष जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे अधिक क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगाएं। यहाँ पर कहा गया है कि महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनवाई के सर्टिफिकेट धारी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और महिला एसएचजी की सदस्य, इनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगर पहले किसी ने यहाँ पर वर्क किया है तो उनको जो है वो यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी जो है 12th अगर आपने पास कर रखा है तो आप यहाँ पर जरूर एप्लीकेशन करें। कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप जो है यहाँ लगाएं। आयु सीमा जो है यहाँ पर 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो 50 वर्ष रखी गई है। मानदेय यहाँ पर जो है काम कम है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को प्रति माह हर महीने 4,500 रुपए जो है मिलेंगे। आवेदन जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदक अपनी ग्राम पंचायत जहाँ रह रहा है या फिर शहरी वार्ड में रह रहा है तो वहीं से जो है वो आवेदन करे। एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन अगर आपने किया तो वह अस्वीकार कर दिए जाएंगे। कैसे जो है प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, तो विभाग द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, उसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को शांति एवं अहिंसा विभाग के निदेशालय की वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है जिसको मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो इस पर जो है वो आप लोगों को जाना है, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो है नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो आवेदन विवरण एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा कम्प्लीट, इसको पढ़ना है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है SSO पोर्टल से लॉगिन करना है। सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा, उसके बाद अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट था, बाकी और भी चीजें जो है आप लोग देख लें। अभी जो है यहाँ पर लिखा है कि आवेदन हेतु जो है कोई शुल्क देय नहीं होगा, यानी आप लोग एप्लीकेशन करेंगे तो कोई आपके जो है वो यहाँ पर पैसे नहीं लगेंगे। आवेदन की अंतिम डेट जो रहेगी 29 अगस्त। तो यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कहीं दूर नहीं जाना है। जिस गाँव में आप रह रहे हैं, जिस जिले से संबंधित, जिस ब्लॉक में आप रह रहे हैं, तो वहीं पर जो है वो आप लोगों को जॉब मिलेगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो चयन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ मात्र आपका जो है वो एक साक्षात्कार लिया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर वार्ड वार अंतिम अनुमोदित सूची से विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उनके क्षेत्र में ही जो है वो महात्मा गांधी प्रेरक लगाया जाएगा। बाकी जो यहाँ लिखा है कि आवेदक द्वारा जिस राजस्व ग्राम वार्ड के लिए आवेदन किया गया, तो आवेदक उस राजस्व ग्राम या वार्ड का जो स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कार्यकाल जो आपका रहेगा, कितने समय तक जो है आपको यहाँ पर लगाया जाएगा, तो ये आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो है वो एक वर्ष के लिए चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा और राज्य सरकार द्वारा आपका जो कार्यकाल है वो घटाया और बढ़ाया जा सकेगा। तो ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है और आप लोग अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।